नहीं तो क्या होगा, हम सिर्फ अंडा लेंगे और नीचे छूट जाएगा हमारा अनियन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो बनाने में बहुत आसान है। ये है एक टोस्ट, और इसमें जो भी हम इंग्रेडिएंट मिलाएंगे वो घर पे इजीली अवेलेबल होते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने ये कैसे बनाया। मैंने इसके लिए लिया है 3 अंडा, आपको जितना चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हो। इसको मैं फोड़ के इस तरह का एक बर्तन में रख रही हूँ। सबसे पहले हम अंडा को बीट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें मिलाएंगे नमक स्वाद अनुसार। साथ में मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। अब इसे अच्छे से बीट करेंगे। इस तरह से अंडा को मैंने बीट कर लिया है, ये अच्छा फ्रॉथी हो गया है, हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम इसमें मिलाएंगे बाकी के इंग्रेडिएंट। इसमें मैं मिला रही हूँ 2 ग्रीन चिलीज। आपको अगर बहुत ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हो आप। मिला रही हूँ मैं बारीक चॉप किया हुआ अदरक। 3 अंडे के हिसाब से मैंने मीडियम साइज़ का एक अनियन लिया था, उसको बारीक चॉप कर लिया, उसको मैं मिला दूँगी। साथ में मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें मिला रही हूँ थोड़ा सा सफेद तिल। ट्विस्ट के लिए हम इसमें मिला रहे ऑरिगेनो। हाफ टी स्पून करीब मैंने मिलाया है ऑरिगेनो, इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये अच्छे से बीट हो चुका है, इसे रख देंगे हम साइड में और हम ब्रेड को स्लाइस कर लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है इस तरह का ब्रेड। ब्रेड अगर एक दिन पुरानी हो तो हैंडल करने में आसानी होती है, फ्रेश ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, वो आसानी से टूट भी जाती है, इसलिए मैंने एक दिन पुरानी ब्रेड लिया है। इसको शेप आप कोई भी दे सकते हो, मैं इस तरह से बीच में से ट्रायंगल कर रही हूँ इस तरह से। आप चाहो तो ये साइड का जो हिस्सा है ये हटा सकते हो, मैं इसको नहीं हटा रही हूँ। इस तरह से मैं हर एक ब्रेड कट कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसे ब्रेड को कट कर लिया है। अब चलते हैं एक टोस्ट बनाने के प्रोसेस में। एक टोस्ट बनाने के लिए पैन मैंने चढ़ा लिया है, ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अंडा हम पहले से ही फेंट के रखे हुए हैं। अब इस तरह से मैंने एक चिमटा लिया है, आप हाथ से भी कर सकते हो। इस तरह से डिप करेंगे ब्रेड को और हल्के हाथों से उठा के पैन में डाल देंगे। अब कटोरी में से थोड़ा थोड़ा करके प्याज लेंगे और इस तरह से ऊपर में डालते जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हम सिर्फ अंडा लेंगे और नीचे छूट जाएगा हमारा अनियन। फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, इसको बहुत ज़्यादा तेज हम अगर फ्राई करेंगे तो ये जल्दी से जल जाएगा। एक साइड से जैसे ही ब्राउन होने लगेगा, हमें दिखने लगेगा, हम इसे पलट देंगे। इस तरह से सारे ब्रेड को दूसरे साइड से भी हम फ्राई कर लेंगे। ये पकने में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये दोनों साइड से हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे।
इसी के साथ बनके तैयार है हमारा एक टोस्ट। आपने देखा ये कितना झटपट बन गया, बस चुटकी बजाते ही बन जाता है ये। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कोई भी थॉट्स हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले किसी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय।